Praise the Lord. Praise the Lord. पिछले सप्ताह से हम लोग परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के विषय में सीख रहे हैं। आज भी हम लोग इसी विषय पर कुछ बातें सीखेंगे। हमने इस बात को देखा था कि स्तुति क्या है, आराधना क्या है और आत्मा में स्तुति या आत्मा में आराधना करने का क्या अर्थ है। आज हम लोग उससे आगे बढ़कर कुछ देखेंगे, क्योंकि जो स्तुति और आराधना है वो हमारे जीवन का सबसे उच्चतम बिंदु है, मसीही जीवन का सबसे उच्चतम बिंदु है। अर्थात हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, बाकी सब तो हम एक दूसरे के लिए करते हैं या खुद के लिए करते हैं। अब परमेश्वर के लिए हम कुछ नहीं दे सकते सिवाय कि हम उसे स्तुति दें, उसकी आराधना करें या उसका धन्यवाद करें। सबसे उच्चतम स्तर हमारा, हम उससे बेहतर और कुछ कर ही नहीं सकते। तो अगर वो सबसे उच्चतम स्तर है तो जो हमारे हृदय का, हमारे हृदय की जो स्थिति होनी चाहिए वो भी एक खास प्रकार की होनी चाहिए। हम लोग उसके विषय में आज सीखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा था। हम लोग उस पद को जरा सा देखें, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 और उसके पद 24। यूहन्ना 4 और उसके पद 24 यहां लिखा है। हम लोग एक साथ इस पद को पढ़े अच्छा रहेगा। यूहन्ना 14 अध्याय और उसके पद 24 मिल गया। आइए हम इसे एक साथ पढ़ें। 1, 2, 3। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वो चाहता है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा से आराधना करें, सच्चाई से आराधना करें। पुराने समय में लोग शरीर से आराधना करते थे, हमने पिछली बार देखा था यहाँ पे, क्योंकि जो आराधना के लिए जो शब्द है प्रोस्कुनियो, उसका अर्थ है दंडवत करना, उसका अर्थ है साष्टांग हो जाना, उसका अर्थ है घुटने टेकना या उसके सामने माथा टेकना इत्यादि शारीरिक अवस्था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा था कि वह समय आता है, इसके ठीक ऊपर पद 23, परंतु वह समय आता है जिसमें, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। तो उसने कहा कि ऐसा समय आता है जिसमें वे आत्मा से आराधना करेंगे, शरीर से जो आराधना होती है पुराने समय की रीति के मुताबिक वैसा नहीं, लेकिन उससे बढ़कर वे आत्मा से आराधना करेंगे, लेकिन साथ में उसने कहा सच्चाई से आराधना करें। तो आराधना करने में सच्चाई शामिल होनी चाहिए और ये सच्चाई जो है वो हमारे हृदय की स्थिति है। हम कितना उसमें शामिल हैं वो उस बात को प्रकट करता है, क्योंकि गीत तो ऐसे भी होंगे, हम लोग आराधना स्तुति के दरमियान में गाते हैं, गीत तो ऐसे भी हो सकते हैं जो हम मुंह से गा लें, है ना, क्योंकि हम लोगों को परमेश्वर ने मल्टी टैलेंट मल्टी टास्किंग बना दिया है। हम लोग एक ही समय बहुत सारे चीज कर लेते हैं एक ही समय में, है ना, और खास तौर से जो चीज याद है उसके समय तो और भी ज्यादा चीजें कर सकते हैं। जो चीजें याद है उसको बोलने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसमें आप कुछ और भी सोच सकते हैं। उसी प्रकार जो गीत आपको याद है उसको गाने में दिमाग को एक ही जगह स्थिर रहना कोई जरूरी नहीं, वो कहीं भी जा सकते हैं, मुंह से गीत निकलते चले जाएंगे और हमारा हृदय कहीं और लगा हुआ रह सकता है। लेकिन उसने कहा था कि वह समय आता है, वरन अब है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। मतलब वो समय यीशु मसीह के पृथ्वी पर रहने के दिनों से ही शुरू हो गया और अब भी, ठीक है, उस समय जो था उसने कहा अब भी है और वह समय आता है। जिस समय के विषय उसने कहा कि वह समय आता है वह अभी का समय है, तो अभी वह समय है जब हम सच्चाई से आराधना करेंगे। सो यीशु मसीह ने एक ऐसी प्रजा को तैयार करने के लिए बातचीत की, या एक ऐसा परमेश्वर के ऐसे सपने को बताया, ऐसी इच्छा को बताया जिसमें जो लोग आराधना करते हैं वे सच्चाई से आराधना कर सके। पुराने समय में लोग आराधना करते थे दंडवत कर लेते थे, दंडवत करने में तो आपके हृदय की स्थिति बहुत हो ऐसी जरूरी नहीं है, है ना, वो सामने दंडवत कर लेके मन ही मन तो गुड़गुड़ा भी सकते हैं। जैसे बहुत बार ऐसे ही होता है
जो लोग अपने शिक्षकों को अपने टीचर्स को पसंद नहीं करते स्कूल में कॉलेज में, सामने से तो गुड मॉर्निंग बोल देते हैं लेकिन जब चले जाते हैं तो उसके विरुद्ध में बातें करते हैं, इस प्रकार की बातें होती हैं। तो वो सच्चाई से गुड मॉर्निंग बोलना नहीं, उसी प्रकार परमेश्वर के सामने हम दंडवत हो गए लेकिन हमारा हृदय कुछ और कहता है तो वो सच्चाई से नहीं हुआ। तो वो तो शारीरिक स्थिति थी लेकिन हम आत्मा में, हम कोई जरूरी नहीं कि हम दंडवत कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम घुटने ही टेके हैं शारीरिक रूप में, लेकिन हमारी आत्मा की स्थिति तो वैसी है। तो हमारा जो हृदय है वो भी उसको साथ देना चाहिए। तो उस स्थान तक आने के लिए जिसमें हम लोग सच्चाई से आराधना करें वो इतना इजी चीज नहीं है, उसके लिए समय लगता है। इसलिए मैंने कहा कि वो सबसे उच्चतम बिंदु, ये नहीं कि आप मसीह को जानना शुरू किया और उसके बाद ऑटोमेटिक आपका आत्मा और सच्चाई से आराधना होने लगे। बहुत सारी चीजों से हम लोग गुजरते प्रभु के साथ अनुभव में, तो हम लोग और गहराई को समझते हैं। जितना पहले हम गहराई से आराधना करते थे, जितना गहराई से धन्यवाद करते थे, उससे बेहतर हम करते हैं जब उसकी गहराई में चलते चले जाते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग कंपेयर करेंगे पुराने नियम के साथ अपने आप को। हम लोग एक नए नियम की घटना को निकालते हैं सबसे पहले, और मैं समझता हूँ कि ये सबसे पीक पॉइंट है आराधना या स्तुति करने का, और वो है प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 16। इसमें एक ऐसा समय मिलेगा जब परमेश्वर के दो सेवक परमेश्वर के लिए गीत गा रहे थे, और जब मैं इस स्थिति को सोचता हूं, विचार करता हूं, तो मैं पाता हूं कि यह सबसे, अगर बाइबल में बताया गया है कि किसी ने कोई सबसे बढ़कर स्तुति या आराधना अर्पित की है तो यही वो समय, इससे बढ़कर मैं किसी बात को नहीं देख पाता। हम लोग दाऊद का उदाहरण देते हैं, हम लोग कईयों का उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन जब मैं तुलनात्मक रूप से देखता हूं तो मैं पाता हूं कि इससे बेहतर स्थिति, इससे बेहतर कोई भी दूसरा रिकॉर्ड नहीं किया। थोड़ी देर में हम लोग तुलना करने पर पाए। तो यहां की जो स्थिति है वो ये है कि प्रेरित पौलुस बरनबास से अलग हो चुके हैं, उसने अपने साथ में एक दूसरे सेवक को चुन लिया है सीलास, वो उसके साथ में चला, और उनके साथ में तिमुथियुस भी है, और वे लोग सुसमाचार प्रचार करने की धुन में वहां से निकल गए। वे लोग नहीं जानते थे कि कहां जाना है, वे चाहते थे कि किसी दूसरे जगह पर चले जाएं, लेकिन वचन कहता है कि पवित्र आत्मा ने उन्हें उधर जाने से मना किया। वे चाहते थे कि वे एशिया चले जाएं। कितना अच्छा होता वे एशिया चले जाते हैं ना, हम लोग एशिया में रहते हैं। वे एशिया जाना चाहते थे लेकिन पद 6 कहता है पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। मतलब पवित्र आत्मा की योजना थी कि उन्हें कोई दूसरे स्थान पर ले जाए, पवित्र आत्मा को एशिया से कोई चिढ़ नहीं थी, एशिया से कोई प्रॉब्लम नहीं था, एशिया में ऑलरेडी थोमा आया हुआ था भारत, तो उसको एशिया से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो चाहता था कि प्रेरित पौलुस एक खास जगह पर जाए। सो एशिया चला जाएगा तो जिस जगह परमेश्वर की इच्छा है वहां नहीं जाता, इसलिए उसने उन्हें मना किया। तो फिर भी उनको मालूम नहीं कि एशिया नहीं जाना है तो कहाँ जाना है, तो उन्होंने सोचा कि बितूनिया चले जाएं। सातवां पद कहता है उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने नहीं दिया। अब बितूनिया जाना चाहते हैं लेकिन यीशु का आत्मा उन्हें वहां भी जाने से रोक रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वे दूसरे जगह पर जाए, और इसीलिए वे लोग वहां बितूनिया भी नहीं गए, तो वे मूसिया होकर त्रोआस में आ गए। और पद 9 कहता है पौलुस ने रात में एक दर्शन देखा, एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है पार उतर कर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसने दर्शन में देखा, परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया कि उनको कहां भेजना चाहता है। उसने दर्शन में देखा कि एक पुरुष है जो मकिदुनिया का है, मेसिडोनिया वहां का है, और वो कहता है कि पार उतर कर मेसिडोनिया में आ, मकिदोनिया में आ और हमारी सहायता कर। तो उनको मालूम हो गया कि हमको एशिया नहीं जाना है, हमको बितूनिया नहीं जाना है, हमको मेसिडोनिया जाना है, मकिदोनिया जाना है, क्योंकि परमेश्वर दर्शन में दिखा दिया है। अब ये लोग वहां चले गए। इस बात को समझना बहुत जरूरी, क्योंकि परमेश्वर ने एक योजना बनाई है, परमेश्वर की इच्छा ये है कि अभी इस समय वे एशिया नहीं जाए, अभी बितूनिया नहीं जाए, अभी मेसिडोनिया जाए। मेसिडोनिया एक बड़ा जगह का नाम था, कोई एक शहर का नाम नहीं था, बड़ा हिस्सा था, और उसमें बहुत सारे शहर आते थे, उसी में एक शहर था फिलिप्पी। और वे लोग नाव पकड़कर चले गए और फिलिप्पी पहुंच गए। अब फिलिप्पी पहुंचे
तो दर्शन में उन्होंने देखा था कोई पुरुष है जो कहता है कि पार उतर कर हमारी सहायता कर। फिलिपी पहुंचे तो वहां उनको कोई वो पुरुष नहीं मिला, वहां पर स्त्री मिली। इसका नाम है लुदिया, जो कि एक बिजनेस वुमेन है और कीमती कपड़े का कारोबार करती है, बैंजनी वस्त्र का कारोबार करती है। और उन्होंने उसको सुसमाचार सुनाया, उन्होंने सपरिवार उसे ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन अभी तक दर्शन पूरा नहीं हुआ है क्योंकि वहां पर तो एक पुरुष का इंतजार, पुरुष उनका इंतजार कर रहा है। पुरुष उनको कहता है कि पार उतर कर आ हमारी सहायता, पुरुष मिला नहीं, स्त्री मिल गई, उधार पा गई सपरिवार, पुरुष अभी मिला नहीं, लेकिन एक दुष्ट आत्मा मिल गई, प्रभु उनको ले गया है। जिस व्यक्ति तक पहुंचना है पहुंचे नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति मिल रहा है। अब एक दुष्ट आत्मा से मुलाकात हो गई जो एक लड़की के अंदर में, दुष्ट आत्मा भी एक से एक कह रही है, वो कह रही है कि ये लोग परम प्रधान परमेश्वर के दास है। दुष्ट आत्मा की स्ट्रेटेजी, वो भावी कहने वाली आत्मा थी लड़की के अंदर। और कोई भी लोग उसके पास भविष्य देखने के लिए आते थे, या फिर कोई जानवर खो जाते थे, कोई चीजें खो जाती थी उसके पास में आते थे पूछने के लिए कि कहाँ है, तब तो बता देती थी। दुष्ट आत्मा भी अपने नेटवर्क से मालूम कर लेती है ना? तो लोग उसके पास आते थे, कुछ तो अद्भुत है। तो दुष्ट आत्मा ने अपने आप को छुपाने के लिए क्या किया, क्योंकि पौलुस तो आया है फिर चला जाएगा, लोग तो ऑलरेडी हमारे कब्जे में है, ऐसा ना कि पौलुस ले चले। तो कहने लगे कि ये लोग परम प्रधान परमेश्वर के दास है, उसके उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो कह रही है कि जिस परमेश्वर का पौलुस उपासना करता है मैं भी उसी का हूं, ताकि जब पौलुस चला जाए तो जिनको झुंड के रूप में खड़ा करे वो उन पर दावा करे, आ जा हम लोग एक ही ग्रुप के हैं। तो पौलुस ने समझ लिया उसकी चाल, दुष्ट आत्मा को निकालना ही पड़ेगा, उसने निकाल दिया। उसने यीशु के नाम से आज्ञा दी कि उसमें से निकल जा, और वो निकल गई। लेकिन जो लड़की थी वो अकेली नहीं थी, उसके साथ बहुत सारे लोग थे जो उसके नाम पर, उस लड़की के द्वारा वे लोग अपना बिजनेस चलाते थे। लोग जब उसके पास पूछताछ के लिए आते थे, भावी देखने के लिए आते थे, तो पैसे लेते थे। तो उनके बिजनेस में चोट पहुंची। जब उनका बिजनेस खराब हो गया तो उनको बहुत गुस्सा आया, और इतना गुस्सा आया कि उनके साथ बुरा सुलूक किया, जिसको हम पद 19 से पढ़ते हैं। लिखता है, जब उसके स्वामी ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए। उनको खींच कर ले जाया गया चौक में, चौक अर्थात वो स्थान, हमारे जैसा चौक नहीं, उनका जो चौक होता था वो मुकदमे का स्थान होता था, या ऐसा स्थान होता था जहां पर कुछ फैसला किया जाता था। और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गया और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं, और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। उन पर आरोप भी लगाए गए, ये लोग कुछ उलट पुलट कर रहे हैं, ये लोग नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। अभी तक तो कोई हलचल मचाया नहीं था, सिर्फ बैंजनी वस्त्र बेचने वाली लुदिया उसके परिवार लोग ग्रहण किए थे, दुष्ट आत्मा निकाले थे, सिर्फ इतना ही किए, अभी तो भीड़ जमा भी नहीं किए थे, कोई हलचल तो हुआ नहीं। लेकिन इन पर आरोप लगाया जा रहा है कि बड़ी हलचल मचा रहे हैं, और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जो रोमियों के लिए मानना उचित नहीं। मतलब ये लोग सरकार के विरुद्ध कुछ काम कर रहे हैं, राजद्रोह कर रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं, इनको दंड दिया जाए। क्योंकि वे जल से भर गए कि जिस स्त्री को इस्तेमाल करके वे पैसे कमाते थे, अब वो उस स्थिति में नहीं, वो छुटकारा पा गई, पैसे कमाने की आशा जाती रही, इसलिए इनको दंड दिलाया जाए। तो इनको ज्यादा से ज्यादा दंड दिलाने के लिए ऐसा आरोप लगाया जाए जिससे उनको ज्यादा दंड मिले, झूठा इल्जाम लगाया जाए। और इसके बाद जो भीड़ के लोग थे, क्योंकि वहां से ऑलरेडी उनको जानते थे, भीड़ के लोग उनके विरुद्ध में इकट्ठे होकर चढ़ आए। हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले, हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ दिए। अब उनकी स्थिति बहुत खराब हो रही है। एक तो परमेश्वर ने उनको वहां पर भेजा, परमेश्वर की योजना है, एशिया मत जाना, बितुनिया मत जाना, तुम मकिदुनिया जाना, वहां पर तुम्हें एक पुरुष मिलेगा जिसकी सहायता करनी। पुरुष अभी तक मिला नहीं, पुरुष के मिलने से पहले सब स्थिति होती चली जा रही। अब जो पुरुष मिले उन्होंने तो मुकदमा कर दिया, उन्होंने कपड़े फाड़कर उतार दिए, और लिखता उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी, और बहुत बेत लगवा कर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। उनकी स्थिति और खराब होती चली जा रही।
कपड़े फाड़ दिए, बेंत मारने की आज्ञा दी, बेंत भी मारे, बहुत मारे, और बंदीगृह में डाल दिया। दरोगा को कह दिया कि बहुत खतरनाक लोग हैं, इनको रख दो। अब दरोगा भी, उसने क्या किया, पद 24, उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव कांट में ठोक दिए। तो ऐसी स्थिति को जब उसने देखा, दरोगा ने, उनको बताया गया कि ये लोग बहुत क्रिमिनल लोग, बहुत खतरनाक लोग, भीतर की कोठरी में रख दिए। भीतर की कोठरी का क्या, पुराने समय के जेल, तो भीतर की कोठरी में उसी को रखा जाएगा जो सबसे भयानक आदमी। बाहर की कोठरी में तो उसके गुंडे लोग आकर उनको छुड़ा लेंगे ना, भीतर की कोठरी में रखो। मतलब जितना भी लेवल का क्रिमिनल होते होंगे उससे ज्यादा खतरनाक ये लोग हैं। कितना संगीन आरोप इन पर लगा है। उनकी स्थिति क्या है, बहुत बुरी है। परमेश्वर ने उनको वहां पर भेजा है, वे लोग कंप्लेन कर सकते थे, प्रभु हम लोग तो एशिया जाना चाहते थे, क्यों नहीं जाने दी, हम लोग तो बितूनिया जाना चाहते थे, क्यों नहीं जाने दी, और यहाँ पे हमारी स्थिति बुरी होती जा रही है एक के बाद एक। पहले तो झूठा इल्जाम लगाया गया, एक तो हमने छुटकारे का काम किया, वो स्त्री छूट गई, वो लड़की छूट गई दुष्टात्मा से, उसका आनंद बनाने के बजाय हम लोगों को उसका दंड दिया जा रहा है, हम लोगों के कपड़े फाड़ दिए गए। अब पता नहीं वे लोग कितने कपड़े लेकर जाते थे। यीशु मसीह ने तो ट्रेनिंग देते समय अपने चेलों को कहा था कि दो दो कुर्ते मत ले जाना, एक पहन के गए थे, दूसरा लेके गए थे कि नहीं पता नहीं, ले भी गए होंगे तो छीन लिया होंगे भीड़ वाले। अब दूसरा है कि नहीं पता नहीं, कपड़े भी फट गए, अब दूसरा पहनने के लिए है कि नहीं, जेल में डाल दिया। और वो कोई अपना शहर नहीं है, हम गए वहां, वो कोई अपना देश नहीं है, वहां कोई अपने जान पहचान के लोग नहीं, यहाँ पे उसके जान पहचान में कोई नहीं, मतलब कोई पैरवी करेगा ऐसी बात नहीं। अनजाने देश में, अनजाने शहर में, जहां के लोग मुझे नहीं जानते, वहां पर बंद कर दिया जाए, मारपीट कर दिया जाए, बेंत मार दिया जाए, इतने की घाव हो जाए, क्योंकि आगे हम लोग घाव का जिक्र भी पाते हैं, और उनको सबसे भीतर की कोठरी में डाल दिया जाए, सबसे खतरनाक अपराधियों की तरह ट्रीट किया जाए, और यहां तक कि भीतर की कोठरी में भी पता नहीं वो लोग क्या करेंगे, उनके पांव कांच में ठोक दिए, मतलब कील से नहीं ठोके, उस समय के काठ में ठोकने के होते थे, लकड़ी का बना हुआ खांचा बना हुआ, तो उसमें पैर रख देंगे, फिर ऊपर से एक लकड़ी लाएंगे और दोनों लकड़ियों को आपस में ठोक दिया जाए ताकि वे लोग भाग ना सकें, क्योंकि इतने खतरनाक हैं। दरोगा को ये बताया गया। पूरी कहानी जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि दरोगा ही वो आदमी है जिसको बचाने के लिए वे लोग गए थे। लेकिन दरोगा जब मिला तो क्या कर रहा है, भीतर की कोठ क्रिमिनल जैसा ट्रीट कर रहा है, उसके पांव काठ में ठोक दिए, और उस स्थिति में ये लोग गीत गा रहे हैं रात के समय, क्योंकि मारपीट करते मुकदमा चलाते हुए रात हो गई, और लिखते कि आधी रात को, क्योंकि उनको नींद तो आएगी नहीं, इतना मारपीट हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई है, और इस समय बहुत अच्छा समय था जब वे कंप्लेन कर सकते थे, शिकायत कर सकते थे, या फिर अपने ऊपर डाउट कर सकते थे, जो दर्शन हमने देखा था वो सही है कि नहीं। लेकिन उनके मन में कोई शिकायत नहीं है। लेकिन वे उस समय, वचन कहता है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। आधी रात के लगभग वे भजन करते हुए परमेश्वर की गीत गा रहे थे, वे प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हमने पिछली बार सुना था याकूब की पत्री में इस प्रकार लिखा गया है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, आनंदित हो तो परमेश्वर के भजन गाए, स्तुति के भजन। अब इनके लिए दुखी होने का सही अवसर था, सिर्फ प्रार्थना कर सकते थे, प्रभु हमें यहां से निकालिए, हमारा तो यहाँ कोई जान पहचान का नहीं है, झूठा मुकदमा लगा दिया गया है, और अब हमारा क्या होगा, हमारे रिश्तेदारों का क्या होगा, जहां से आए उनका क्या होगा। लेकिन वे लोग गीत गा रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी भी वे आनंदित है। वचन कहता था कि जो आनंदित है वो स्तुति के भजन गाए, याकूब 5:14। लेकिन वे अभी भी गा रहे हैं। उनके हृदय की स्थिति है, उनके हृदय की स्थिति को कंपेयर करने के लिए मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं निर्गमन की पुस्तक में अध्याय 15, और जरा वहां हम लोग कंपेयर करके देखें। पिछली बार भी हम लोगों ने इसका जिक्र किया था, पर फिर भी उतने डिटेल में हम लोग नहीं गए थे। निर्गमन की पुस्तक में जब आप जाते हैं
तो वहां पर एक दूसरे प्रकार की भीड़ है। यहाँ पे हम लोगों ने एक दूसरे प्रकार के लोगों को देखा, पौलुस और सिलास है, जो लोग बुरी बुरी परिस्थिति से गुजरे हैं और उस समय वे गीत गा रहे हैं, और यही उनकी वास्तविक स्थिति को दिखा रही है कि वास्तव में वे क्या करते हैं। असल में हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, कि आराधना करते हैं, ये असल में तब पता चलता है जब स्थिति बुरी हो जाती है, जब स्थिति हमारे पक्ष में नहीं रहती, तब हम क्या कर रहे हैं, ये चीज बताएगा कि वास्तव में हम कितनी सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। तो प्रेरित पौलुस को उनको एक तरफ रखिए, मैंने कहा वो पिक पॉइंट है। दूसरे तरफ हम दूसरे लोगों को ले रहे हैं जो परमेश्वर की स्तुति की, और ये लोग इजरायली लोग हैं, ये मिस्र में सताए गए थे, इनको मारा पीटा गया था, इनको रोजगार नहीं दिया गया, इनको जो भी मजदूरी इनकी बनती थी उससे कम दिया गया था, और तब वहां से परमेश्वर के हाथों से छुड़ाए जाकर वे निकले, और उन्होंने परमेश्वर को आश्चर्य कर्म करते हुए देखा, उन्होंने देखा कि किस प्रकार उसने मिस्रियों के ऊपर 10 विपत्तियों को भेजा, जब विपत्तियां आई तो मिस्रियों पर आई लेकिन उन पर नहीं आई, अंत में उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने उनके लिए लाल समुद्र को दो भाग में बांट दिया, उसमें से होकर गुजर गए, और सबसे बड़े खुशी की बात कि जो मिस्री सेना पीछे से आती थी उनको पकड़ने के लिए, वे लोग लाल समुद्र में डूब मरे। मिस्र से छूटे इसकी खुशी कितनी थी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मिस्र तो वे वापस लौटना चाहते थे, बाद में पता चलता है ना, लेकिन उनके दुश्मन डूब मरे इस बात की खुशी ज्यादा थी। उन्होंने तुरंत एक गीत बना लिया और उन्होंने ये गीत गाया, निर्गमन अध्याय 15 और उसके पद 1 से, तब मूसा और इसराइलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया, उन्होंने कहा मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, अब वही मेरा उद्धार भी ठहरा है, मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा, मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा, यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। पहली बार बाइबल में कोई गीत लिखा गया, स्तुति का गीत। अब इस स्तुति का गीत क्यों गा रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक चमत्कार को देखा था, उन्होंने एक छुटकारे को देखा था, उन्होंने परमेश्वर के हाथ को देखा, वे उसकी बड़ाई करने लगे। आइए हम तुलना करें दोनों बातों की, एक तरफ इसराइली है जो इस प्रकार का गीत गा रहे हैं, और वचन कहता है कि वे लोग सिर्फ गीत गा नहीं रहे थे लेकिन उसके उससे बढ़कर कुछ कर रहे थे, क्योंकि पद 19 में है, गीत गाने का कारण भी लिख दिया गया, निर्गमन 15 उसके 19 से, यह गीत गाने का कारण यह है कि फिराउन के घोड़े रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया, परंतु इसराइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए। तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे बोली, और मरियम उसके साथ यह टेक गाती चली गई, यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। तो उन्होंने ना सिर्फ गीत गाए, गीत गाने का कारण बताया है, गाने का कारण मुख्य कारण यह कि इसराइली सूखी भूमि से पार हो गए और दुश्मन मर गए, और इतना खुशी से जो उठे कि वे डफ बजाने लगे और नाचते हुए गीत। हम लोग आमतौर पर चाहते हैं कि हम लोग भी नाचते हुए गाए, क्योंकि हम लोगों ने दाऊद को देखा है कि उसने इसी प्रकार से स्तुति की, लेकिन दाऊद से भी पहले ये लोग नाच रहे थे, दाऊद तो बहुत बाद में आया था, लेकिन जिस वजह से नाच रहे थे और जिस स्थिति के साथ, जिस हृदय की स्थिति के साथ में नाच रहे थे, हम लोग थोड़ा सा उसकी जांच पड़ताल करें। पौलुस और सिलास तो बेचारे उनके पांव ठोक दिए गए, चाह के भी नहीं नाच सकते, नाचेंगे कैसे, नीचे पांव ठोक दिए गए, चाह के भी नहीं नाच सकते, अगर पांव नहीं ठोके गए होते तब तो वे नाचते जरूर शायद, क्योंकि यीशु मसीह के दूसरे चेले में जब उनके साथ मारपीट की गई तो बड़े आनंदित होकर लौटे थे अपने ग्रुप के पास और कहने लगे कि कम से कम हम लोग इस लायक तो ठहरे कि हम लोगों को मार मिले। पौलुस सिलास भी उनसे कोई कम नहीं थे, लेकिन वे नाच नहीं पाए क्योंकि उनके पांव काट में ठोके गए, ये लोग बकायदा नाच सकते थे, इनको कोई चोट नहीं लगी। सो दोनों गीत गा रहे हैं, इधर पौलुस और सिलास गीत गा रहे हैं और इधर इजरायली गीत गा रहे हैं। इजरायली क्यों गीत गा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक चमत्कार देखा है अभी ठीक अपनी आंखों के सामने,
उन्होंने एक चमत्कार देखा, एक आशीष की बात को देखा, एक अद्भुत बात को देखा, इसलिए उनका हृदय आनंद से भरा है और इसलिए गीत गा रहे। पौलुस प्रेरित और सिलास, उन्होंने कोई चमत्कार नहीं देखा। उनको जब मारा पीटा गया, उनके जब कपड़े फाड़ दिए गए, उनको जब निकाल दिया गया, उनको जब कोठरी में ठोक दिया गया, उन्होंने कोई चमत्कार नहीं देखा, कोई चमत्कार नहीं देखा, फिर भी गाए। इधर इन्होंने इसलिए गीत गाए क्योंकि उन्होंने चमत्कार देखा। इसराइली इसलिए गा रहे हैं क्योंकि उन्होंने चमत्कार देखा, और इसराइली इसलिए गीत गा रहे हैं क्योंकि उनके दुश्मन मर गए। क्योंकि यहां लिखा है गीत गाने का कारण यह है कि फिरौन के रथ और सवार उनके घोड़ों समेत समुद्र में जाकर डूब मरे, उनके दुश्मन मर गए, इसलिए वे खुशी से गा रहे हैं। और इधर पौलुस और सिलास के दुश्मन, वे तो कम से कम पौलुस और सिलास से बेहतर स्थिति में, पौलुस और सिलास के तो कपड़े फाड़ दिए गए, उनके दुश्मनों के तो किसी ने कपड़े नहीं फाड़े। इनको बेत मारा गया, इन पर झूठे मुकदमे किए गए, उनके दुश्मनों पे तो नहीं किए गए। इनको खालकोटरी में रखा गया, इनके पांव काट में ठोक दिए गए, उनके दुश्मनों के साथ तो नहीं है। दुश्मनों चैन की नींद सो रहे होंगे रात में, पौलुस और सिलास भुगत रहे, दुश्मन बेहतर स्थिति में, फिर भी गीत गा रहे। और इसराइली इसलिए गीत गा रहे क्योंकि दुश्मन मर गए, उनके गीत गाने का कारण वही था। उसी प्रकार फिर हम तुलना करें, इसराइली इसलिए गीत गा रहे हैं क्योंकि वे छूट गए, वे लोग मिस्र से छूट गए हमेशा के लिए। मतलब जिस सेना के बदौलत किसी समय फिरौन को वापस गुलाम बना सकता था, वो सेना भी नहीं रही, तब से छूट गए, पूरी तरह छूट गए। अब मिस्र में जाकर गुलामी करने का कोई मतलब नहीं, अब उससे छुटकारा पा रहे, तो वे अपनी आजादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने इसलिए गीत गाए क्योंकि वे आजाद हो गए, और पौलुस और सिलास गीत गा रहे हैं जबकि वे कैद हैं। दोनों की स्थिति कितनी अलग है, एक इसलिए गीत गाए क्योंकि आजाद हो गए, और एक इसलिए गीत गा रहे हैं क्योंकि गुलाम हो गए, कैद में डाल दिए गए, फिर भी गीत गा रहे हैं। और ये लोग इसलिए गीत गाए क्योंकि इनके दुश्मन मार दिए गए, और यहां तो ये खुद मार खाए। जो स्थिति उनके दुश्मनों की हो रही थी, यहां पौलुस और सिलास की। और उसी प्रकार इन्होंने परमेश्वर की भलाई को देखा, लेकिन पौलुस और सिलास ने परमेश्वर की भलाई को अपने लिए नहीं देखा, तब तक तो कम से कम नहीं देखा। यहां तक कि हम लोग पाते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह के नाम से उस अधिकार को इस्तेमाल भी किया, और वो स्त्री तो छूट गई जिसमें भावी करने वाली आत्मा थी, तो भावी करने वाली आत्मा छूटने से वो स्थिति अच्छी स्थिति में आ गई होगी। पता नहीं उसके पहले वो कैसी स्थिति में रहती होगी, लोग आते होंगे, हो सकता है बाल खुले रखती होगी, बहुत कुछ रखती होगी, है ना, तब ना लोग आएंगे, क्योंकि लोग उसी प्रकार से जानते हैं, जो लोग ऐसा करते हैं तो ऐसे होते हैं, उसमें कोई आत्मा है। वो छूट गई, उसकी स्थिति अच्छी हो गई, लेकिन पौलुस और सिलास की स्थिति बुरी हो गई, तो अपनी अच्छी स्थिति के कारण भी नहीं गा रहे, उनके गीत गाने का कारण उनकी अच्छी स्थिति नहीं। उसी प्रकार जो इसराइली लोग थे, उन्होंने जो गीत गाए, क्योंकि उनके हृदय की स्थिति सच्ची नहीं है। हम लोग थोड़ी देर के बाद पाएंगे कि जब लोग गीत गा रहे थे, गीत गाने के तुरंत बाद जब उनको पानी नहीं मिला तो तुरंत कुड़कुड़ाने लगे और कंप्लेन करने लगे। इसी उत्पत्ति में जहां खोल कर रखें, आप खोल कर देखिए थोड़ा सा आगे, सॉरी निर्गमन में, और उसके 15 हम लोगों ने देखा था, 15 में ही थोड़ा सा आगे देखिए, 21वें पद तक उनके गीत गाने के कारण को दिखा गया है, और जब 22वें पद को देखिएगा तब लिखा है कि मूसा इसराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया, वे शूर नामक जंगल में आए, जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला, फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे जहां का पानी खारा था, वे उसे पी ना सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, यहोवा ने उसे पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हुआ।
तो जब वे गए परमेश्वर उनको ले जाने लगा शूर के जंगल से, और जाते समय रास्ते में 3 दिन तक पानी का सोता नहीं मिला। अभी ठीक पहले वे लोग गीत गा रहे थे, परमेश्वर की कितनी बड़ाई कर रहे थे, यहाँ तक कि वे नाच भी रहे थे, बजा भी रहे थे। और इधर पौलुस और सिलास हैं जो गीत तो गा रहे हैं लेकिन ना तो बजा सकते क्योंकि उनके पास बजाने के लिए कुछ नहीं, और नाच भी नहीं सकते क्योंकि उनके पाँव काट कर ठोके गए। उनकी स्थिति बहुत खराब है और उस स्थिति में परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, और उनकी स्थिति अच्छी हुई थी तब कर रहे हैं, लेकिन असलियत की पोल तब खुल गई जब वे लोग जंगल से गुजरे कि वाकई में वे हृदय के साथ में परमेश्वर की महिमा कर रहे थे कि नहीं। और पता चला कि जब वे जंगल से जाने लगे पानी नहीं मिला तो तुरंत कुड़कुड़ाने लगे, सारी पोल उसी समय खुल गई कि जब तू हमारे लिए हमारे फेवर में काम करेगा प्रभु, हम लोग स्तुति करेंगे, हम लोग गीत गाएंगे, हम लोग बजाएंगे, हम लोग तारीफ करेंगे, लेकिन जब तू हमारे फेवर में काम नहीं करेगा तो हम लोग कुड़कुड़ाएंगे। हम लोग स्तुति करेंगे बशर्ते हम लोगों को पानी मिलता रहना चाहिए, हम लोगों को, हमारे बाल बच्चों को, हमारे जानवरों को सब कुछ मिलता रहना चाहिए जंगल में जाते समय भी, हम लोग स्तुति करेंगे बशर्ते तू भलाई को दिखाता चले। लेकिन यदि तो ना दिखाए तो हमारे डब कोने में पड़े रहेंगे, हमारे कदम उछलेंगे नहीं तेरे लिए, हमारे मुंह से गीत नहीं निकलेंगे, हमारे मुंह से शिकायत निकलेंगे। ये दिन की स्थिति, तो इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि जब स्तुति कर रहे थे तो सिर्फ होठों से गीत गा रहे थे, मतलब हृदय तो आनंद से भर गए दुश्मनों को मरते देखकर, लेकिन जब वे गा रहे थे तो पूरे हृदय के साथ नहीं, क्योंकि हृदय तो उनके साथ हमेशा बना था, तो बाद में भी हृदय के साथ रहते तो कुड़कुड़ाते नहीं, हृदय उनके साथ बना नहीं था, वे होठों से सिर्फ गा रहे थे। और अगर पौलुस और सिलास उस स्थिति में गीत गा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए गा रहे हैं क्योंकि उनके हृदय की स्थिति वही, क्योंकि उन्होंने उस परिस्थिति में भी परमेश्वर की तरफ देखा है जिसने उनके साथ में भलाई की है, खासतौर से पौलुस, क्योंकि पौलुस जानता था कि वो इस योग्य नहीं था, क्योंकि उसने इस बात को अनुभव किया, उसने कहा कि मैं तो कलीसिया को सताने के लिए निकला था, मैं तो उनको पकड़कर जेल में डालता था, मैं तो सबसे बड़ा पापी था, लेकिन मुझ पर परमेश्वर ने ऐसी कृपा की मुझको बदल दिया, और इसलिए उसने जी खोलकर सेवकाई की। और प्रेरित पौलुस ने उस भेद को जाना, उसी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया इस बात के लिए कि वो इस बात को बता सके कि जब एक व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह आता है तो उसके जीवन में क्या बदलाव आता है, वो एक नई सृष्टि बन जाता है, और वो किस प्रकार की आशीषों का अधिकारी हो जाता है, कौन से मिरास और विरासत का अधिकारी हो जाता है, तो सारी बातें पौलुस जानता था, उस पर परमेश्वर ने प्रकट की। हम लोगों ने पिछले समय से इसी बात को सीखा कि हम लोगों ने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो हम लोग जो पुराने थे वो नहीं रहे, अब हमको बदल दिया गया, उसने विश्वास के द्वारा हमें धर्मी ठहरा दिया, उसने हमें पवित्र कर दिया, उसने हमें सिद्ध कर दिया, उसने हमें अपना संतान बना दिया, उसने हमें अपना संगी वारिस बना दिया। वचन कहता है कि जब उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए नहीं रख छोड़ा तो उसके साथ बाकी सब कुछ क्यों ना देगा, इसका अर्थ है कि वो देगा, और इसको लिखने वाला कोई और नहीं, प्रेरित पौलुस ही था, प्रेरित पौलुस ही था जिसने लिखा कि सब कुछ तुम्हारा है, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है, तुम मसीह के हो, मसीह परमेश्वर का। इन सारी भेदों को प्रकट करने वाला प्रेरित पौलुस, वो कहता है कि परमेश्वर का के सामर्थ का असीम धन हमारे पास इस मिट्टी के बर्तनों में रखा। वो जानता था कि यीशु मसीह के आने से उनको क्या मिला है, यही उसके हृदय की स्थिति, और इसलिए बाहर से जितना भी दबाव था, जितने भी सताहट थी, जितने भी बातें थी, जितने भी इल्जाम थे, सब कुछ के बावजूद उसके जो भीतर की स्थिति थी वो उस पर प्रबल थी, वो उसको छोटा नहीं देख पाता है, परिस्थितियों को बड़ा नहीं देख पाता है, जो कुछ परमेश्वर ने उसको किया उसके सामने सब कुछ छोटा है, और इसीलिए वो सच्ची आराधना कर पा रहा है, और उसके साथ में सिलास है जो उसके संपर्क में रहकर वैसे ही हो गया। हम लोग भी परमेश्वर को सच्ची आराधना दे पाएंगे, उसको सच्ची स्तुति दे पाएंगे, सच्चाई के साथ हम गीत गा सकेंगे, सच्चाई के साथ हम धन्यवाद कर सकेंगे, बशर्ते हमारा हृदय वैसा, और उस हृदय की उस स्थिति को आने के लिए
हम लोगों को हमेशा इस बात पर ध्यान करना पड़ेगा कि उसने हमारे साथ में क्या किया। जिन चीजों को आपने पहले सीखा है उन बातों पर हमेशा ध्यान कीजिए। ध्यान करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ध्यान करना कहने से, क्योंकि हम लोग तो भारत में रहते तो ध्यान करने का कुछ और अर्थ हो जाता है। यहां पर हमारे पूर्वज जमाने में लोगों ने ध्यान किया, लेकिन यहां का ध्यान कुछ और होता है। ध्यान करने के कई तरीके बताए जाएंगे, लेकिन वो ध्यान अलग है। हम दूसरे प्रकार का ध्यान करते हैं। हम लोग ध्यान करते हैं परमेश्वर के काम पर, हम ध्यान करते हैं परमेश्वर के वचन पर, हम ध्यान करते हैं परमेश्वर पर। और जब हम ध्यान करते रहते हैं तो वचन कहता है कि हम उसको भूलते नहीं। आप निकाल कर देखिए याकूब की पत्री उसका अध्याय 1:25। याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 25, यहां पर क्या लिखा है, मिल गया? चलिए एक साथ पढ़ें, 1, 2, 3। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर हम व्यवस्था बोलते हैं। बाइबल में व्यवस्था शब्द आता है, हिंदी बाइबल में, इंग्लिश में शब्द आता है लॉ। जब व्यवस्था का रहता है आमतौर पर उसका अर्थ होता है मूसा की व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था जिसको परमेश्वर ने सिनाई के पहाड़ पर उनको दिया था। लेकिन बाइबल व्यवस्था का, व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल किसी दूसरी बात के लिए भी करती है, और ये उस व्यवस्था से अलग है जो सिनाई के पहाड़ पर थी, और इसलिए उसको थोड़ा सा दूसरा नाम देती है। इसलिए यहां पर नाम दिया गया स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, क्योंकि वो जो व्यवस्था थी जो सिनाई पहाड़ पर थी वो तो उनको बांधती थी, वो तो उनको मृत्यु में ले गई, वो तो उनको श्राप में ले गई। लेकिन ये जो व्यवस्था है जो यीशु मसीह के द्वारा आई है, ये दूसरे प्रकार की व्यवस्था है। इसके वचन हमारे हृदय में लिखे गए हैं और यह हमें स्वतंत्र करता है, यह हमें स्वतंत्र करता है। इसलिए कहा गया कि स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था। तो कहता है कि जो व्यक्ति इस पर ध्यान करता रहता है वो आशीष पाएगा, क्योंकि वो सुनकर भूलता नहीं। तो हम जो ध्यान करते हैं उसका उसका उद्देश्य है कि हम उसको भूले नहीं। जो उसने हमारे साथ में किया हम भूले नहीं, क्योंकि जो उसने किया उसने आत्मा में किया है। जब हम लोग नया जन्म पाए, जब हम लोग उद्धार पाए, बहुत सारी चीजें, वो सारी चीजें आत्मा में, उसको शरीर में अनुभव करना ऐसा नहीं। तो आत्मा की बातें भुलाने के लिए बहुत आसान है, शरीर उसको दबा देता है, क्योंकि हम लोग संसार में रहते हुए शरीर में चलते हैं, शरीर के अनुसार जीने के आदि हो गए हैं, शरीर की इंद्रियों को काम में लाने के आदि हो गए। तो शरीर से हम बहुत कुछ इस संसार का इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, और उसी इंफॉर्मेशन लेते लेते शैतान भी अपना इंफॉर्मेशन देते रहता है, परिस्थितियों के द्वारा, बहुत सारी चीजों के द्वारा इंफॉर्मेशन देते रहता है, गलत जानकारी। और उन सारी बातों को लेकर जो आत्मा में हमने पाया है उस सबको हम दबा देते हैं। तो बातें दबाई ना जाए इसके लिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसको ध्यान करते रहे, ध्यान करते रहे, प्रतिदिन की आदत हो जाए। आने वाले समय में मैं जब प्रार्थना के विषय में आपको बताऊंगा उसमें बहुत सारी बातें हम लोग सीखेंगे, लेकिन उसमें एक पोर्शन आता है प्रार्थना, अब वो पोर्शन है ध्यान करने का। अब उसको हम लोगों को करना चाहिए। क्या ध्यान करना चाहिए? कि उसने हमारे साथ में क्या भलाई की। मैं बाद में डिटेल में उसको बताऊंगा, लेकिन अभी जरूरत पड़ी है इसलिए आपको बता देता हूं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। अब प्रार्थना जो शब्द है इब्रानी शब्द, वो शब्द है तेफिला। तेफिला का अर्थ सिंपल मांगना नहीं होता है, मांगने से बढ़कर उसका अर्थ, उससे गहरा अर्थ, उसका अर्थ है एक प्रकार का संबंध जो उसके साथ में कायम किया गया, उसका अर्थ है एक आत्मनिरीक्षण का समय, उसका अर्थ है एक निवेदन का समय, सहभागिता का समय, और भी बातें, प्रार्थना। तो प्रार्थना के दरमियान हम उसके साथ संबंध रखने के लिए, उसके साथ गहराई में उतरने के लिए हम ध्यान करते हैं,
हम उन बातों को सोचते विचारते हैं जो उसने हमारे साथ में किया। इस प्रार्थना के समय में स्तुति भी चली जाती है, आराधना भी चला आता है। प्रार्थना कोई छोटा सा विषय नहीं है कि हम जस्ट प्रभु के पास आए, प्रभु मुझे ये चाहिए फिर चले गए। वो तो निवेदन था, वो तो प्रार्थना का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन जो बड़ी बातें हैं, दूसरी बातें हैं, उन सारी चीजों को, प्रार्थना में बहुत सारे भाग हैं, सारी बातों को मिलाकर देखा जाए और सारी बातों को एक साथ किया जाए तभी जाके प्रार्थना को हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो उसका एक हिस्सा होगा ध्यान करना। तो पुराने नियम में तंबू होता था, उनकी आराधना करने का जो सिस्टम था या परमेश्वर के पास आने का जो सिस्टम था उसके तहत एक तंबू उनके पास में होता था, एक पुराना मंदिर, और उसके तीन भाग थे। एक था जिसको कहते थे आंगन, एक स्थान था जिसको घेर कर रखा गया था, और उस स्थान के बीच में दो कमरे थे एक के बाद एक। उन दोनों कमरों में से पहले कमरे को कहा जाता था पवित्र स्थान और उसके भीतर वाले कमरे को कहा जाता था परम पवित्र स्थान, बीच का हिस्सा। उसके अलावा जो बाकी था उसको कहते थे आंगन। हर जगह पर कुछ अलग अलग वस्तुएं रखी जाती थी। जैसे आंगन में दो चीजें थी, एक थी वेदी और दूसरा पीतल की हौद। पवित्र स्थान में तीन चीजें होती थी, एक थी, एक था सोने का दीवट, मेज और एक धूप करने की मेज, और परम पवित्र स्थान में वाचक संदूक। तो वे लोग जब आराधना करने के लिए आते थे तो मंडली जो साधारण लोग होते थे वे लोग आंगन में खड़े होते थे, उनको भीतर जाने की इजाजत नहीं थी, पवित्र स्थान में घुसने की इजाजत नहीं। पवित्र स्थान में सिर्फ याजक जा सकते थे, जो परमेश्वर के याजक होते थे उनको हारून के वंश का होना जरूरी था, और वहां भी घुसते समय एक खास प्रकार से ड्रेसअप होकर बहुत सारी चीजों के साथ में वहां घुसते थे। और जो परम पवित्र स्थान था वहां पर कोई बाकी याजक भी नहीं जा सकते थे, उसमें सिर्फ महायाजक जाते, वो भी हमेशा नहीं, साल में सिर्फ एक बार। उनके आराधना का नियम इसी प्रकार से। लेकिन जब वे आंगन में आते थे तो आंगन में हमेशा उनके पास एक वेदी होती थी, वेदी बनाया गया था, और उस वेदी पर वे बहुत सारा बलिदान चढ़ाते थे, और वो एक दृष्टांत था। पुराने नियम की सारी बातें छाया है मूल वस्तु में तो मसीह। उससे हम लोग सीख सकते हैं कि हम जब परमेश्वर के पास आते हैं तो प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, हमको ध्यान करना कैसा चाहिए। तो हम आते हैं तो जरूर एक वेदी से हमको गुजरना चाहिए। अब ये जो वेदी होती थी उसमें जानवरों के बलिदान चढ़ाए जाते, उनके खून बहाए जाते थे। कुछ बलिदान ऐसे होते थे जिनके मांस को याजक लोग खा लेते थे पवित्र स्थान में बैठकर, और कुछ बलिदान ऐसे होते थे जिनको पूरा सब कुछ जला दिया जाता। लेकिन वहां पर एक वेदी थी जो परमेश्वर के लिए अर्पित थी, वहां परमेश्वर को सब कुछ दिया जाता था वेदी के द्वारा। हम लोग कुछ बलिदान नहीं चढ़ाते इस समय, क्योंकि हमारे लिए चढ़ाया गया एकमात्र बलिदान यीशु मसीह, एकमात्र। उस समय जितनी होम बलि, मेल बलि, दोष बलि, पाप बलि, ये सारी बलि, इन सब के बदले हमारा यीशु मसीह है जो बलि दिखाता है। लेकिन जब हम प्रार्थना में आते हैं तो हमको इस बात को स्मरण करना चाहिए कि वो किस लिए बलि हुआ, किस लिए बलि हुआ, और उस बात को स्मरण करना चाहिए और उस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी तरफ से एक बलिदान देते हैं और वह धन्यवाद का बलिदान। परमेश्वर ने कहा जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो मेरी महिमा करता है। तो हम इन सारी बातों को स्मरण करते हैं कि उसने क्या किया। हम कहते हैं कि प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हुए और वो क्रूस पर ठोके, और हम स्मरण करते हैं कि उसके साथ हमारे लिए क्या भलाई। वचन कहते हम जानते हैं हमारा पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, रोमी 6:6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। जब मैं प्रार्थना करता हूं मैं इस बात को स्मरण करता हूं, जब मैं उस वेदी के पास होता हूं, जब मैं यीशु मसीह के उस क्रूस पर ध्यान करता हूं तो मैं सोचता हूं कि मेरा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। जब मुझे लगता है कि ये सारी कमजोरियां पाई जाती हैं उसको मैं पुरानी बातें कहता हूं, और मैं उन बातों को एक एक करके मान लेता हूं कि सारी बातें तो क्रूस पर ऑलरेडी ठोक दी गई, मर गई। जिन बातों को करने के लिए पुराना मनुष्य तो उभारता था वो सारी बातें, या जिसको हो सकता है शारीरिक रूप में अभी भी मैं महसूस करूं, वचन कहता है कि मुझे मानना चाहिए कि मर चुकी। तो मैं उस समय ये अंगीकार करता हूं, मैं ये विश्वास करता हूं, कहता हूं कि प्रभु वो सारी चीजें क्रूस पर मर चुकी।
हो सकता है कि आपको क्रोध आता हो जल्दी जल्दी, तो आप ये मत कीजिए, कहिए कि मेरा क्रोध का स्वभाव है, आपके पुराने मनुष्यत्व का स्वभाव था। लेकिन इसलिए कि आपने विश्वास नहीं किया कि वो क्रूस पर मर गया, इसलिए अभी भी वो हावी होता है। तो आपको ये कहना चाहिए कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, जो क्रोध का स्वभाव था मेरा वो भी क्रूस पर मरा, जो लालच था वो भी क्रूस पर मरा, जो ईर्ष्या था, जो घमंड था वो भी क्रूस पर मरा, जो विचार था, जो चोरी की बातें थी, जो अनज्ञकारिता की बातें थी, सब क्रूस पर मरा, पुराना मनुष्य था उसके साथ क्रूस पर मर गया। और यहां तक कि हम विश्वास करते कि वो गाड़ दिया गया, जब वो बलिदान हुआ तो वो गाड़ दिया गया, और कहते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ गाड़ दिया गया, और जब वो जी उठा, वचन कहता है कि उसके साथ हम भी जिलाकर उठाए, और जब जिलाकर उठाए गए हमें एक नया स्वभाव दिया गया, उस समय नया स्वभाव जिसमें परमेश्वर ने अपना स्वभाव डाल दिया। पिछली बार हम देख रहे थे दूसरा पत्रस दो पहला दिया उसके चौथे पद में कि उसने अपना ईश्वरीय स्वभाव हमें दिया, उसने बहुमूल्य प्रतिज्ञा में दी जिसके द्वारा हम सड़ाहट से छूट कर जिस संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हो जाए। ईश्वरीय स्वभाव दिया गया हमको, नया मनुष्यत्व जो दिया गया उसमें ईश्वरीय स्वभाव है, उसमें धार्मिकता वास करती है, उसमें पवित्रता वास करती है, उसमें सिद्धता वास करती है, बल्कि वचन कहता है कि जैसा हुआ है वैसे संसार में हम भी खुद यीशु मसीह के जैसे, जो नया मनुष्यत्व जिसको सृजा गया वो ठीक यीशु मसीह के जैसा है, और वो उसके जी उठने के द्वारा हम लोग उसके विश्वास करने के द्वारा उसको उस समय प्राप्त किया। तो जब प्रार्थना करते हैं इस बात को ध्यान करते हैं कि जब वो जी उठा तो सिर्फ यीशु मसीह नहीं जी उठा, उसके साथ नए मनुष्यत्व में मैं भी जी उठा। अब मेरे भीतर में एक अच्छा स्वभाव पाया जाता है, मेरे अंदर ईश्वरीय स्वभाव पाया जाता है, मेरे अंदर धार्मिकता का स्वभाव पाया जाता है, मेरे अंदर प्रार्थना करने का स्वभाव पाया जाता है। यहां तक कि जिन बातों को आप महसूस नहीं करते कि ये स्वभाव है मुझमें होना चाहिए, तो आपको अंगीकार करना चाहिए कि वो उसी समय दिया गया, क्योंकि वचन कहता है दिया गया। हर एक अच्छी बात है, वो भलाई करने का स्वभाव, वो धीरज का स्वभाव, वो प्रेम का स्वभाव, वो संयम का स्वभाव, सब कुछ उसी समय दिया गया, हम उस समय ध्यान नहीं करते। फिर हम ध्यान करते हैं कि वो यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा तो क्रूस पर वो इसलिए मरा ताकि वो खुद श्रापित हो जाए और जो व्यवस्था का श्राप उससे में छुड़े। हम धन्यवाद करते कि प्रभु हम यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि जब वो बलिदान हुआ क्रूस पर, वो किसी दूसरे तरीके से भी बलिदान हो सकता था, लेकिन क्रूस को चुना इसलिए बलिदान हुआ क्रूस पर ताकि वो श्रापित हो जाए और मुझ में कोई श्राप ना रहे, मुझे श्राप से छुटकारा दे दिया। आज परमेश्वर मुझ पर क्रोधित नहीं है, परमेश्वर मेरे कामों का दंड भुगताने के लिए मेरे पीछे पीछे नहीं चला आता है। जितने दंड इसराइल को मिले उनमें से एक भी मुझ पर नहीं आ पड़ेंगे क्योंकि परमेश्वर ने कोई भी श्राप मेरे लिए नहीं रख छोड़ा। उसी के ठीक बाद गलातियों की पत्री में लिखा है 3:13-14 लिखता है कि यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। तो यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए मरा ताकि अब्राहम को जो आशीष दी गई थी वो मसीह यीशु में मुझ तक पहुंचे। तो मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु तूने जो आशीष अब्राहम को दी थी वो मुझ तक पहुंची। और उसी रीति से उसके नीचे लिखा है और हम प्रतिज्ञा के पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, सो पवित्र आत्मा की सहभागिता में मिले इसके लिए वो क्रूस पर मरा। तो उसके उस क्रूस मृत्यु से मुझे ये मिला। उसी प्रकार हम जानते कि क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले उसको कोड़े मारे गए ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। क्रूस पर जब वो था तो वचन कहता है कि रोग से उसकी जान पहचान थी, यहोवा ने उसको कुचल दिया, उसी ने उसको रोगी कर दिया। वो इसलिए कर दिया ताकि वो हमारे और आपके बदले उस दुख को सह ले और उसके बदले हम स्वस्थ जीवन का लाभ ले सके। तो इसके पहले कि हम बीमार हो जाए, मैं इस बात को हमेशा प्रार्थना करता हूं, अंगीकार करता हूं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खा लिए और ऐसा नया जीवन तैयार किया जो स्वस्थ जीवन, जिसमें किसी प्रकार की बीमारी का कोई स्थान नहीं। लोग बीमार होते तब याद आते कि चंगाई से संबंधित प्रार्थना करनी चाहिए, तो मैं क्यों बीमार होने का इंतजार करूं, मैं बीमार ही ना पड़ूं, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके लिए उपाय कर दिया। तो उसको अंगीकार करना चाहिए, उसको ध्यान करना चाहिए। प्रेरित पौलुस ने लिखा कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए निर्धन बन गए, क्योंकि जब वो स्वर्ग में था उसके पास किसी बात की घटी नहीं थी, वो महिमा में था, किसी धन की उसके पास कमी नहीं थी, लेकिन वो निर्धन बन गया, मनुष्य की समानता में हो गया, यहां तक कि दास का रूप धारण किया, पैदा भी हुआ तो गोशाले में हुआ,
उसको कोई अपना घर भी नहीं दो। वो धनी होकर भी कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तो मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह धनी होकर के भी कंगाल बन गए कि उसके कंगाल हो जाने से मैं धनी हो गया। आज मैं तेरा संतान कहलाता हूं, आज मैं यीशु मसीह का संगी वारिस हूं। क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ मेरा है। मैं अपने आप को इस रीति से नहीं देखता कि क्या क्या घटी है मेरे पास, मैं अपने आप को इस रीति से देखता हूं कि उसने मुझे क्या दिया। उसने सारी भरपूरी हमको दिया, उसने हमें नई सृष्टि में बदल दिया उस क्रूस के पास। अब मैं पुराना व्यक्ति नहीं रहा, लेकिन मैं नई सृष्टि बन गया। मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं। इसी रीति से हम लोग जितनी बातों को सीखे पिछले समय में, उन सारी बातों के लिए उस क्रूस की वेदी के पास आप धन्यवाद कर सकते, ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि हमें क्या दिया गया। हम लोग मरे हुए में से जी उठे हुए लोग बन गए, हमें उठाकर स्वर्ग स्थान में बैठा दिया गया, हम लोगों को धर्मी ठहरा दिया गया। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि वचन कहते हैं वो धर्मी की प्रार्थना को सुनेगा, वो धर्मी पर विपत्ति पड़ने नहीं देगा, उसके हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा। बहुत सारी बातें हम उन सारी बातों को देखते रहते, क्योंकि परमेश्वर उनको हमारे लिए किया है। हमारा हृदय हमेशा उमड़ता रहता है, हमारा हृदय हमेशा किसी भी संसारिक परिस्थिति से दब नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि हम इस रीति से प्रार्थना करते हैं, हम उनके ऊपर में जयवंत रहते हैं। तो क्योंकि मैंने जब इन बातों को पढ़ा, परमेश्वर के वचन से सीखा, और खासतौर से उस हिस्से से सीखा जिसको प्रेरित पौलुस ने लिखा है, क्योंकि हम प्रेरित पौलुस इसे कम सोचते थे, उसके हृदय की स्थिति इससे बढ़कर थी। वो जानते थे कि परमेश्वर ने उसे क्या दिया है, जानते थे कि कपड़े फाड़ देना कोई महत्व नहीं रखता, वे जानते थे कि ये बेते खा लेना कोई महत्व नहीं रखता, वे जानते थे कि काल कोठरी में डाल देना कोई महत्व नहीं रखता, झूठे आरोप लगा देना कोई महत्व नहीं रखता, उससे बढ़कर महत्व रखता कि परमेश्वर ने मुझे ये दान दिया है। और उस दान को ये काल कोठरी नहीं रोक सकता, उस दान को ये कांच नहीं रोक सकता, उस दान को फाड़े हुए कपड़े नहीं रोक सकते, वो आनंद जो मेरे भीतर उमड़ता है उसको ये सारी चीजें रोक नहीं सकती। और इसीलिए वो गा उठा, उस हृदय की स्थिति के साथ में होगा उठा। और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग इसी स्थिति को लेकर आए, इसलिए हम अपने दिनचर्या में इस बात को शामिल करें। जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने के लिए आप तुरंत निवेदन में ना चले जाए कि प्रभु हमारा निवेदन ये है। कहते हैं वचन में लिखा है फिलिपियों की पत्री में कि हमारे निवेदन धन्यवाद के साथ उसके सामने उपस्थित किए जाए। तो किन बातों का धन्यवाद? जिन कामों को उसने हमारे लिए किया। पिछले सप्ताह हम लोग सीख रहे थे कि जो स्तुति है वो परमेश्वर और उसके कार्य और उसके गुणों का हमारे शब्दों में या गीतों के द्वारा या एक्सप्रेशन के द्वारा अभिव्यक्ति है, स्तुति है। और उसका जो कार्य है, पुराने नियम में जब कोई कार्य करता था तो लोग गीत गाते थे, उसने घोड़ों को सवारों समेत समुद्र में फेंक दिया है उसके लिए गीत गा रहे, उसने चट्टान से पानी निकाल कर पिलाया गीत गा रहे, उसने आकाश से मन्ना गिराया गीत गा रहे। लेकिन नए नियम में उसका काम क्या है? नए नियम में उसका काम आप और हम ही, नए नियम में उसने हमारे अंदर में काम किया, उसने हमको पुराने लोगों से पुराने आदम से छुटकारा दिलाकर हमें नया मनुष्य बना दिया, उसने हमें नई सृष्टि बना दिया, उसने अपने समांतर स्वरूप में हमें बना दिया। यही उसका काम है, यही उसका काम है। और हम इसी बात के लिए आभारी हैं, हम इसी बात के लिए उसकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि इससे बढ़कर और दूसरा काम नहीं दिखाई देता। जो बाकी काम दिखते हैं शारीरिक काम, वो थोड़े समय के लिए होंगे, लेकिन जो आत्मिक काम किया उसने वो बना रहता है। शारीरिक काम अर्थात उसने हमारे लिए एक गिफ्ट दिया, जैसे हमें घर की जरूरत थी, घर कुछ दिनों के बाद घर पूरा ना हो जाएगा, उसने पहनने के लिए कपड़े दिए, उसने खाने के लिए दिए, उसने अच्छा स्वास्थ्य दिया, उसने चंगाई दी, ये सारी बातें, ये सब शारीरिक बातें और छोटी बातें, छोटी बातें भी हमारी चाहिए, वो भी देता है, लेकिन वो सदा बनी नहीं रहती। मान ली एक बीमारी से चंगे हो गए तो हो सकता है कल को दूसरी बीमारी हो जाए, फिर आप उसके लिए दुआई देंगे कि उससे चंगा हो, तो सदा बना नहीं रहता। लेकिन जो आत्मिक दान उसने दिया है वो सदा बना रहता है, वो बना रहता है, वो किसी परिस्थिति में टिकता नहीं।
इसलिए उस हर परिस्थिति में हमको स्मरण रहना चाहिए कि उसने हमारे साथ में क्या किया। जब प्रेरित पौलुस के साथ भी वो क्यों ऐसी बुरी परिस्थिति में स्तुति कर पा रहा है, क्यों आराधना कर पा रहा है, क्यों धन्यवाद कर रहा है, क्योंकि उसका हृदय धन्यवाद से भरा है, क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर की इन बातों पर लगा हुआ है, वो परमेश्वर की इन बातों को ध्यान से देख रहा है। अब परिस्थितियां उसको नहीं बता पा रही कि तुम ऐसा मत करो, और जानते उसके इसी हृदय की स्थिति के कारण उस दरोगा का छुटकारा हुआ जब उन्होंने आराधना के गीतों को गाया। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो चुपचाप सुन लेता है, चुपचाप देखता है, सिर पर रखता है। वो जब हम स्तुति और आराधना करते हैं, हम अपने हृदय की गहराई से सच्चाई के साथ वो उसको ग्रहण भी करता है और वो उसके उत्तर में कुछ करता भी। तब परमेश्वर ने कुछ किया और तब उस जेल में भूकंप आ गया जहां वो थे। उस जेल में भूकंप आ गया और वो जेल जो है नींव समेत खिल गई, उसके फाटक खुल गए और जो कैदी थे उनके बंधन भी खुल गए, उनके बंधन भी, हर एक कैदियों के बंधन खुल गए, ऐसा वचन कहता है। लेकिन इसलिए कि रात में वे लोग आराधना और स्तुति कर रहे थे, उनका प्रभाव सारे कैदियों पर पड़ रहा था। वहां लिखा है कि सारे कैदी उनकी सुन रहे थे, उनकी सुन रहे थे कि ये लोग कैसे कैदी हैं कि लोग गीत गा रहे, तारीफ कर रहे, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, बाकी लोग गुड़गुड़ा रहे हैं, बाकी लोग अफसोस कर रहे हैं कि हम ये नहीं किए होते तो यहां नहीं आते। मान लिया किसी ने सही, मान लिया किसी को झूठा इल्जाम लगाकर डाल दिया गया तो उसको कोस रहा है जिसने झूठा इल्जाम लगाया। वे लोग अपने परिजनों से मिलने के लिए तरस रहे हैं। जिस दिन पहली बार जेल में आए, जेल की हालत देख करके उनकी स्थिति खराब हो गई, पर ये कैसे कैदी हैं और बहुत क्रिमिनल लोग हैं क्योंकि इनको भीतर की कोठरी में रखा है, और ये लोग गीत गा रहे हैं, सारे कैदी उनकी सुन रहे हैं। और वचन कहता है कि जब जेल की फाटकें खुल गई, उनके जंजीर खुल गए, उनके बंधन खुल गए, कोई कैदी नहीं भागा। सारे कैदी जो जेल में भागना चाहते, छुटकारा चाहते, लेकिन उन्होंने ऐसे स्तुति आराधना की कि सारे लोग वहीं रुक गए, भाग सकते थे उसी समय, रुक गए वहीं। दरोगा ने सोचा कि सब लोग भाग गए, और दरोगा भी इतना ईमानदार, अपने काम के प्रति इतना समर्पित, उसने सोचा सब भाग गए, मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया, तुरंत तलवार से अपने आप को मार डालना चाह। अरे भाई आपके पास तो एक्सक्यूज है, आप कह सकते हैं कि हम क्या कर सकते थे, भूकंप आ गया, लोग भाग गए, मैं किसको पकड़ता, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन दरोगा भी काम के लिए इतना समर्पित, मेरा काम है कैदियों को यहाँ रखना, अगर ये यहाँ नहीं है तो मैं भी जीने के लायक नहीं, तलवार निकाल कर अपने आप को मार डालना चाह। पौलुस को मालूम हो गया, उसने कहा कि अपने आप को हानि मत पहुंचा, हम लोग सब इधर ही, कोई नहीं भागा। सारे जो कैदी दीवार में कैद थे, जंजीरों में कैद थे, अब लोग यीशु मसीह के कैद में आ गए। हालेलुया, कोई नहीं भागा, तुम इधर आओ। और हम पूरी डिटेल को हम पढ़ेंगे तो पता चलता है कि उस दरोगा ने उसी समय विश्वास किया, अपने सब परिवार उसने बपतिस्मा तक लिया, और यही वो व्यक्ति था जिसको बचाने के लिए उनको मैसिडोनिया भेजा गया। उन्होंने अपनी सेवकाई को पूरी किया, पौलुस और सिलास ने, वे अपनी सेवकाई को भी पूरी नहीं कर पाते अगर बीच रास्ते में शिकायत करने लगते परिस्थितियों को देखकर। वहां एक मकिदुनी पुरुष कहता था, पार उतर कर हमारी सहायता कर। जानते दरोगा जब पहली बार भूकंप होने के बाद पौलुस के बाद गया, पास गया, तो उसने क्या कहा कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। उसका कोई दूसरा सवाल भी हो सकता था, ये सब कैसे हो गया। उसका कहना था उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, मतलब दरोगा के मन में यह बात आ गई कि जरूर ये लोग परमेश्वर के लोग हैं और यही लोग छुटकारे की बात बता सकते हैं। मतलब भीतर ही भीतर दरोगा के मन में ये बात चलती थी, भीतर ही भीतर शायद उसने कभी परमेश्वर को पुकारा हो कि मुझे छुटकारे का कुछ रास्ता दीजिए, और परमेश्वर ने उसके लिए दो लोगों को भेज दिया था जिनको बंदी बना के वो रख लिया है। यही दो लोग छुटकारे का बताएंगे, दरोगा बाहर से नहीं दिख रहा है कि वो छुटकारा चाहता है, दरोगा तो भीतरी कोठरी में उनको रख रहा है, बाहर से कुछ नहीं पता चल रहा है। सिर्फ दर्शन में देखा गया है कि ये पुरुष कहता है, चेहरा पता नहीं, लेकिन कोई पुरुष कहता है पार उतर कर हमारी सहायता कर। ये दरोगा ही सहायता मांग रहा है, ना तो दरोगा को पता है ना तो पौलुस को पता है। लेकिन उस स्थिति में
जब उनका हृदय उत्साह से भरा हुआ था, उनका हृदय स्तुति से भरा हुआ था, धन्यवाद से भरा हुआ था, वे अपनी सेवा को पूरी कर पाए। कई बार हम अपनी सेवा को इसलिए पूरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा हृदय स्तुति से भरा हुआ नहीं, हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ। तो हो सकता है कि जिस परिस्थिति को परमेश्वर ने किसी आत्मा को बचाने के लिए हमारे लिए रख दिया हो, उस समय हम कुड़कुड़ा जाए। पौलुस को कुड़कुड़ा सकते थे, उनके भी बंधन खुल गए थे, वे लोग भाग सकते थे, चलो यहां से निकलो, यहां पे कुछ उपाय नहीं है, चलते हैं कोई दूसरा ही व्यक्ति हो। लेकिन वह उन्होंने उसको सुसमाचार पहुंचाया, छुटकारा पाया। वो इसलिए क्योंकि उनका हृदय ऐसा था। और यीशु मसीह ने ऐसी स्थिति के विषय में कहा था कि वह समय आता है पर न प्रिय है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। इसराइलियों ने भी आराधना की लेकिन ना तो उन्होंने आत्मा में आराधना की, ना तो उन्होंने सच्चाई से आराधना। लेकिन इधर प्रेरित पौलुस हैं, सिलास हैं, इन्होंने आत्मा में आराधना की, इन्होंने सच्चाई से आराधना की। इसी जगह तुलना करने के लिए मैं एक और व्यक्ति को लाना चाहता हूँ जो बाइबल के ठीक बीचों बीच में मिलेगा, अय्यूब की पुस्तक। जब हम अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते हैं तो अय्यूब भी उतना बड़ा उदाहरण कायम नहीं किया जितना बड़ा उदाहरण प्रेरित पौलुस और सिलास ने कायम किया। अय्यूब के बारे में हम लोग बड़ी बड़ी बातें जानते हैं क्योंकि उसके बारे में पहले के शुरू के दो अध्यायों में बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन जब अय्यूब के बारे में जानना हो तो पूरी अय्यूब की पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो बाइबल कहती है कि जो अय्यूब था उसके बाल बच्चे थे जिनके शादी ब्याह हो चुके थे, बहुत धन उसके पास में था। और अय्यूब की आदत थी कि वो भोर को, बड़े भोर को उठकर होम बलि चढ़ाता था परमेश्वर को धन्यवाद देने की या परमेश्वर की आराधना करने। पुराने समय में उनकी आराधना करने का तरीका हमारे जैसा नहीं था। हम लोग तो जब स्तुति और आराधना बोलते तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आता है, गीत गाना। उस समय गीत गाना नहीं होता था स्तुति आराधना, वो तो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ। और अय्यूब जो था वो बहुत पुराने जमाने का व्यक्ति था। जो बाइबल के विद्वान लोग हैं वो लोग कहते हैं क्योंकि उसकी आयु लगभग 200 साल की हुई, क्योंकि अपनी विपत्ति के बाद में वो 140 साल और जीवित रहा। विपत्ति पढ़ने के पहले तक उसके सारे बाल बच्चों की शादी हो गई थी तो 70 साल का रही होगा, 60 साल, तो 200 साल। तो 200 साल लोग कब जीते थे तो उन्होंने वापस बाइबल में जाकर देखा, कहा कि अब्राहम से भी पहले के लोग 200 साल जीते, अब्राहम 175 साल जीवित था। यानी कि ये अय्यूब उस समय का है जब व्यवस्था भी नहीं दी गई, यानी कि ये अय्यूब उस समय का है जब इसराइल लोगों को कोई नामो निशान नहीं। उस समय आराधना करना और उस समय स्तुति करना कोई दूसरे तरीके से होता था, गीत गाना तो बाद में आया। तो उस समय आराधना या स्तुति करने का तरीका होता था कि होम बलि चढ़ा, प्रार्थना करने का तरीका होता था होम बलि चढ़ा, कुछ बलिदान चढ़ा परमेश्वर। तो अय्यूब भी इस तरीके से करता था परमेश्वर के साथ क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी, उसको बहुत सारे ऊंट गधे गाय बैल और बहुत सारे धन संपत्ति भी दी थी, उनके सारे बाल बच्चे अच्छी अवस्था में थे और इसलिए वो परमेश्वर का धन्यवाद करता था, उसकी स्तुति करता, उसका भय मानता था, उसके विरुद्ध में काम करने से डरता था और ऐसे ही वो करने लगा। फिर हम लोग जानते हैं उसके जीवन में परीक्षाएं आई, पहले तो उसकी धन संपत्ति लूट गई, उसके बच्चे मर गए, लेकिन उसने परमेश्वर को दोष नहीं दिया, उसने तो कह दिया कि परमेश्वर ही ने दिया, परमेश्वर ही ने लिया, उसी का नाम धन्य हो। फिर अय्यूब के जीवन में परीक्षा आई, उसको फोड़े हो गए, बीमारी हो गई, बीमारी भी ऐसी हुई कि उसकी पत्नी उससे घृणा करने लगी, कहने लगी कि तू परमेश्वर को श्राप दे, मर जाए तो मर जा। लेकिन उसने कहा कि परमेश्वर दुख सुख देता है, परमेश्वर दुख देता है, कोई दिक्कत नहीं। उसने उस स्थिति में भी अपने आप को बना लिया। तो सारी कहानी यहां तक बहुत अच्छी चलती है। अय्यूब के बारे में दो बार ये स्टेटमेंट दिया गया है, पहले अध्याय का आखिरी में ये पहला स्टेटमेंट है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। दूसरे अध्याय में उसके 10वें पद में स्टेटमेंट दिया गया है, आखिरी दो लाइनों में, इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। ये दो स्टेटमेंट अय्यूब के लिए महत्वपूर्ण, पहले के दो अध्याय। लेकिन दूसरे अध्याय के समाप्त होते होते इसके तीन दोस्त लोग आ पहुंचे, उन्होंने खबर सुनी कि अय्यूब के जीवन में बड़ी दुर्घटना हुई, उसके पास में आ पहुंचे और उसके साथ में 7 दिन तक बैठे रहे। 7 दिन के बाद में वे बातचीत करना शुरू की।
और जब बातचीत करने लगे तो अय्यूब के जितने दोस्त थे, तीन दोस्त, उस सारे दोस्तों ने अय्यूब को यह कहकर समझाने की कोशिश की कि डियर अय्यूब, ये परेशानी तुम्हारे जीवन में यूं ही नहीं आई, ये देखा हुआ, जाना हुआ, समझा हुआ बात है कि जो व्यक्ति गलत काम करता है उसी को परमेश्वर ऐसा दंड देता है। तुम जरूर ऐसा कुछ किया। तो अय्यूब ने अपनी जिंदगी को झांक कर देखा, उसने कहा कि मैंने तो कोई ऐसा काम किया नहीं जिसके बदले इतना दंड दिया जाए, कोई ऐसा काम नहीं। उन्होंने तरीके तरीके से उसको समझाने की कोशिश की। कभी उसका एक मित्र एलीपज समझाता है, कभी बिल्दद समझाता है, कभी सोपर, बारी बारी से तीन राउंड उनकी बातचीत हुई। एक बार एलीपज बोलता है, अय्यूब उसका जवाब देता है, बिल्दद बोलता है, अय्यूब उसका जवाब देता है, सोपर बोलता है, अय्यूब उसका जवाब देता है, ऐसे करते करते। और अगर हम ध्यान से उनकी बातचीत को देखें तो हम पाएंगे कि ये तीनों दोस्त अय्यूब पर दोष लगा रहे हैं कि अय्यूब जरूर तुम गलती किए हो, तुम मान क्यों नहीं लेते, मान लोगे तो परमेश्वर सब ठीक कर देगा, तो मान लो। लेकिन जब बातचीत बढ़ने लगी, आरोप बढ़ने लगा, इल्जाम बढ़ने लगा, तब अय्यूब की सहन शक्ति जवाब देने लगी। दूसरे अध्याय तक स्टेटमेंट है, इन सब बातों में अय्यूब ने कोई बात नहीं किया। लेकिन उसके बाद में जब उस पर इल्जाम लगे तो उसने परमेश्वर के विरुद्ध में कहना शुरू किया। उसने कहा कि पहले तो मेरी बात सुनता था, परमेश्वर सुनता था, लेकिन अब नहीं सुनता है, अब वो मेरे खिलाफ में हो गया है, अब वो कठोर हो गया है, अब वो अन्याय कर रहा है, वो कहने लगा। यहां तक कि जब लास्ट में जब परमेश्वर उपस्थित हुआ तो उसने अय्यूब से कुछ कहा, जिसको हम लोग पूरी कहानी आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे, जहां पर अय्यूब ने दोष लगाया, वो अध्याय आपको अध्याय 29 और 30 के आसपास आपको मिलेगा, जहां पर उसने दोष लगाया था परमेश्वर पर। लेकिन जब परमेश्वर प्रकट हुआ तो उसने अय्यूब के विषय में क्या कहा? पहले के दो अध्याय में तो उसके विषय में स्टेटमेंट है, अय्यूब ने इन बातों में कोई पाप नहीं किया। लेकिन अध्याय 40 और उसके बाद पद 6, 7 और 8 को देखिए, यहां पर लिखा है, तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यह उत्तर दिया, पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, मैं तुझसे प्रश्न करता हूं, तू मुझे बता, क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा? क्या तू आप निर्दोष ठहरने की मनसा से मुझको दोषी ठहराएगा? मतलब इसके पहले के स्टेटमेंट में अय्यूब ने परमेश्वर को दोषी ठहराया, अपने आप को निर्दोष और परमेश्वर को दोषी ठहराया। कैसे, उसको आप पढ़कर देखिए। सो अय्यूब को अगर गौर करें तो हम लोग पाएंगे कि अय्यूब कम से कम इसराइलियों से तो अच्छा था, इसराइलियों से अच्छा, वो सब कुछ सह सकता था और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता, यहां तक कि उसके बाल बच्चे मर जाए वो सह सकता था, उसकी धन संपत्ति लूट जाए वो सह सकता था, उसको बीमारी हो जाए उसको सह सकता था, उसकी पत्नी उसको रिजेक्ट कर दे उसको सह सकता था, लेकिन अय्यूब एक चीज को नहीं सह सकता, और वो ये कि उस पर झूठा इल्जाम लगाया जाए। क्योंकि जब तक उसके मित्र नहीं आए थे उसके बारे में स्टेटमेंट है, उसने कोई बात नहीं किया, जब से उसके मित्र आकर दोष लगाने लगे बातें बदल गई, तब परमेश्वर को खुद खड़ा होकर कहना पड़ा कि क्या तू अपने आप को निर्दोष ठहराने की मनसा से मुझे दोषी ठहराए। सो अय्यूब प्रतिदिन होम बलि चढ़ाता था, प्रतिदिन परमेश्वर की आराधना करता था, प्रतिदिन धन्यवाद करता था, लेकिन एक समय आया जब परिस्थिति बदल गई, तब भी उसने परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसके दोस्त कहने लगे तब वो सारी होम बलि, सारी मेल बलि और सारे बलिदान चले गए, और उसके बाद वो दोष बलि करने लगा। दोष बलि, दूसरा दोष बलि, दोष देने वाली बलि। अब तो परमेश्वर को कहना पड़ा। लेकिन प्रेरित पौलुस और सिलास को देखिए, उनके साथ में स्थिति बुरी है और उन पर झूठा इल्जाम भी लगाया गया है। ये लोग ऐसी रीति बता रहे हैं जिनको रोमियो को मानना उचित नहीं, वे ऐसी कोई रीति नहीं बता रहे। ये लोग नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं, ये लोग सरकारी कानून को तोड़ रहे हैं, ये लोग विरुद्ध में इन पर मुकदमा किया जाए, ये लोग बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, भीतरी कोठरी में रखा जाए, बहुत बड़े बड़े चार्ज लगाए गए उनके ऊपर, क्या चार्ज था नहीं मालूम, लेकिन कुछ भी था भीतरी कोठरी में रखा गया था तो कुछ बड़ा ही इल्जाम था, उन पर झूठा ही इल्जाम लगाया गया था, लेकिन वे उस झूठे इल्जाम को भी सह सकते हैं, उसको भी सह सकते हैं और उस स्थिति में भी गीत गा सकते हैं।
हमारी परख तब होती है जब हमारे साथ में स्थिति बुरी हो जाए, है ना। हम लोग हमेशा आशीष की बातें करते हैं, भरपूरी की बातें करते हैं, लेकिन परख तो तब होती है जब कुछ विपरीत परिस्थिति आ जाए। क्या तब भी हम उस रीति से धन्यवाद करें? क्या तब भी हम उस रीति से स्तुति करें? क्या तब भी हम कह सकते कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, जैसा सिलास और पौलुस कहते हैं। लेकिन हमें उसी हृदय की ऊंचाई पर पहुंचना है, वही सच्चाई चाहिए। क्योंकि जब यीशु मसीह ने स्टेटमेंट दिया कि वह समय आता है, वरन अब है, जब सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, तो उसने कहा था करेंगे, मैं आशा करता हूं करेंगे, उसने कहा। उसने कहा कि उनको करना चाहिए, उसने कहा करेंगे। इसका मतलब जब वो स्टेटमेंट दे रहा था, वो उस झुंड के लिए सामर्थ्य भी दे रहा था, अर्थात हमारे लिए सामर्थ्य भी दे रहा था कि हम हर परिस्थिति में ऐसा कर सके। सामर्थ्य हमारे लिए उपलब्ध है, परमेश्वर की वो उपस्थिति हमारे लिए उपलब्ध है कि हम हर परिस्थिति में हम सच्चाई से और आत्मा से हम परमेश्वर की आराधना कर पाए। बस फर्क इतना है कि हम लोग उस उपलब्ध की हुई चीज को लेते हैं कि नहीं, उपलब्ध की हुई चीज को हम देख पाते हैं कि नहीं, उसको इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। उसने सब कुछ किया। सो प्रतिदिन की आदत में इस बात को शामिल कर लीजिए कि जो कुछ उसने हमारे लिए दिया, उस बात का आप ध्यान करें, उस बात को स्मरण करें कि उसने हमें स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था दी, उसके तहत उसने किया क्या, हमको मिला क्या, इनको ध्यान करते रहे। फिर कोई बातें नहीं होंगी जो हमको दबा सके, कोई बातें नहीं होंगी जो हमको पुराने नियम के लोगों जैसा बना सके। क्योंकि हम लोग ने देखा है, यीशु मसीह ने कहा था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन सबसे बड़ा है जो स्त्रियों से उत्पन्न हुए, और जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़ा है। सो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इसराइलियों से भी बड़ा है, उनसे बेहतर स्तुति दे सकता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अय्यूब से भी बड़ा है, क्योंकि वो भी स्त्रियों से उत्पन्न हुए, और जो परमेश्वर के राज्य में हम में से हर एक जन छोटे से छोटे हैं उससे बड़े हैं। इसका मतलब हमसे ये अपेक्षा की जाएगी कि पुराने नियम के लोगों ने जितना बेहतर स्तुति आराधना दी उससे बेहतर हम दें, सिर्फ आशीषों को पाने में नहीं लेकिन उसका उत्तर देने में भी। जो कुछ हमने पाया उसका उत्तर देने में भी हम पुराने नियम के लोगों से बड़े होने चाहिए। जो परमेश्वर आपकी सहायता करे कि जब आप इस वचन को सुन रहे सीख रहे आप इसको कर सके, और परमेश्वर जैसी आराधना चाहता है उसको हमारे द्वारा मिलने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारे संग में है, तूने हमसे इतना अधिक प्रेम किया कि खुद यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, उसके साथ बाकी सब कुछ तूने दे दिया। हमारे जीवन खाली नहीं है, हमारा जीवन कभी भी खाली नहीं है, क्योंकि जब से हमने तुझे जाना है हमने परिपूर्णता को पाया है। क्योंकि वो यीशु मसीह जिसमें ईश्वरत्व की सारी देह सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, वो यीशु मसीह हम में रहता है और हम उसमें भरपूर हो गए हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि हम कभी खाली नहीं, हम कभी भी असहाय नहीं, हम कभी भी निराश नहीं, क्योंकि तू हमारे संग रहता है। पिता संसार की परिस्थितियां हमें दूसरा कहने के लिए कहती है, संसार की परिस्थितियां हमें सत्य का इनकार करने के लिए प्रेरित करती है। शैतान हमसे झूठ कहता है, लोग हमसे झूठ कह देते हैं, लेकिन हम उन बातों से प्रभावित नहीं होना चाहते क्योंकि तू हमारे भीतर में रहता है और तूने हमारे भीतर में बहुतायत को कूट कूट कर भरा है। पिता इस बात के लिए हमारे हृदय आनंदित है और हम तुझे धन्यवाद करते हैं। पिता हम तुझे सराहते हैं, स्तुति देते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा हृदय हमेशा इस बात को स्मरण करता रहे, हमारी दिनचर्या हमेशा ऐसी हो कि हम तेरी बात को स्मरण करें, ताकि हम हमेशा तुझे उचित स्तुति दे पाए, आराधना दे पाए, ताकि हम हमेशा अपने हृदय की सच्चाई से दे पाए, सिर्फ हमारे होठों से नहीं जैसा इसराइलियों ने दिया, सिर्फ हमारे शरीर से नहीं लेकिन अपने हृदय की सच्चाई से, यहाँ तक कि हमारे परखे जाने का वक्त भी हो, जब परिस्थिति हमारे अनुकूल न भी हो, उस घड़ी भी हम तुझे आराधना दे पाए। पिता हम अपने जीवन के उस उच्चतम स्तर पर पहुंच सके, उच्चतम बिंदु पर पहुंच सके जहां हम तेरे लिए अपने आप को अर्पित कर पाए। पिता हर परिस्थिति में अपने आप को तेरे लिए दे सके और कभी भी शिकायत ना करे, कभी भी कंप्लेन ना करे, लेकिन हमेशा हम तेरी तारीफ कर सके, हमेशा हम कह सके, अनुभव कर सके और अपने आत्मा में इस बात को जान सके कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, हमेशा हम स्तुति दे पाए। पिता ऐसे ही नहीं कि प्रेम के साथ में कीजिए, इनकी मदद कीजिए पिता,
ताकि वे ऐसी प्रजा तैयार हो जैसा ईश्वर मसीह ने कहा था कि वे लोग होंगे जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे, विदा हम वे लोग होने पाए। पुराने नियम के लोगों ने जितना आराधना स्तुति दिया उससे बढ़कर हम दे पाए क्योंकि तूने हमें उनसे बढ़कर बनाया है। पिता हम ऐसा कर पाएंगे क्योंकि तू सहायता करने के लिए हमारे साथ है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।